दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए YouTube चैनल की वीडियो के साथ, जिसमें आज आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं और आप लोग अपने आधार कार्ड से जुड़ी हुई सारी संबंधित जानकारी कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी जानकारी को आप लोगों के पास पहुँचाने के लिए हम आए हैं इस यूट्यूब की नई वीडियो में। तो इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं समझ में आती है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को देखिए इस पोस्ट पर पहुंचना होगा। अब आप लोगों को इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको यहां पर देखिए पूरी जानकारी लिखित में, ये देखिए पूरी जानकारी लिखित में मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो रही थी समझने में, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ देखिए स्टेप बनाए गए हैं, पॉइंट में सारी जानकारी दी गई है, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना आए। आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ पढ़ते जाएं और काम करते जाएं तो आप लोगों का इसी से पोस्ट की मदद से ही आप लोगों का आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और अब आप लोगों को हम करके बताते हैं कि कैसे आप लोगों को आधार कार्ड डाउनलोड करना है। आप लोगों को जैसे कि पता है कि आधार कार्ड में हमेशा कुछ ना कुछ नई जानकारी आती रहती है। तो जैसे कि अभी पुराने कुछ समय में काफ़ी सारे अपडेट आ चुके हैं आधार कार्ड से जुड़े हुए। ये देखिए हमारे इस पोस्ट में जो लिंक लगा था उसकी मदद से आप लोग डायरेक्टली उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर आप लोगों को, जैसे वेबसाइट पर आ जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं और ढूंढने के बाद ही आप लोग वहां पर अपना कहीं समय पर बहुत समय बर्बाद होने के बाद पहुँच पाते हैं। तो हमने डायरेक्ट इसीलिए अपनी इस पोस्ट में लिंक दे दिया है, जिसके बाद आप लोग डायरेक्ट जहाँ से आधार कार्ड डाउनलोड होता है वहीं पर पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर आप लोगों को जो भी डिटेल में दिया गया होगा आपके आधार के ऊपर प्रिंट होगा, वह आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आई वॉन्ट आम मार्क्स्ड आधार, इसके ऊपर ऐसे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर OTP पाना है। OTP पाने के लिए आप लोगों को आपके उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो कि आप लोगों ने रजिस्टर करवाया होगा। उसके बाद यहाँ सेंड OTP के ऊपर क्लिक करें, आप OTP लिखें और आप लोगों का आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये कैप्चा कोड लिखना ना भूलें, इस कैप्चा कोड के बगैर आप लोगों का आधार कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस आसान तरीके से आप लोग भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड करवा सकते हैं। अगर आप लोगों का आधार कार्ड डाउनलोड हो गया हो तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों का आधार कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ हो वह भी हम लोगों को कमेंट करके पूछें, आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।